हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेटल ज्ञान चैनल में। तो पिछली वीडियो मैंने आपको एक्सेल के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था, और आज हम आपको बताने वाले हैं सेल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई सेल ले लेते हैं, उसमें ABC टाइप कर देते हैं, और उसके नीचे टाइप से 1, 2, 3 टाइप कर देते हैं। तो दोनों में अंतर क्यों हो जाता है, ABCD एक साइड में और 1, 2, 3 एक साइड में? ऐसा इसलिए होता है कि एक्सेल को पता हो जाता है कि ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, इसलिए एक साथ ये मैच नहीं कर रहा है, ABC एक तरफ और 1, 2, 3 एक तरफ। तो आपको ऊपर एक जर्नल का ऑप्शन, ये जर्नल भले ही शो हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टैक्सी है, या तो यह नंबर हो सकता है, या ये करेंसी हो सकती है, या एक परसेंटेज हो सकता है, या अकाउंटिंग हो सकती है, या टाइम एंड डेट हो सकता है। तो इसके लिए आपको, अगर आपका टैक्स है या टेक्स्ट है, तो आपको एक्सेल को बताना होगा कि एक बेसिक टैक्स है। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्लाइड करके नीचे जाना है। आप जैसे ही ABC टैक्स पर क्लिक कर देंगे, तैसे ही एक सेम साइज में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक्सेल को बता देंगे। उसके बाद में अगर आप ABC का, जैसे आप वर्ल्ड में पूरा एक साथ सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके कलर को चेंज करना पड़ता था, इस तरह इसमें नहीं करना पड़ेगा। आप सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कलर को चेंज कर पाएंगे। उसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, और उसके बाद में 1, 2, 3 का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस सेल को क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद अगर आप चाहें तो इसका कलर या बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ कोई कलर, तो आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड सेल को सेलेक्ट करने से चेंज हो जा रहा है। तो एक्सेल में कुछ हो, उसके बाद हम इसे बोल्ड करते हैं। बी पे क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ से बोल्ड कर पाएंगे। तो हमने बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद आप यहाँ से जो भी फॉन्ट लगाना चाहते हैं, बहुत से फॉन्ट दिए गए हैं, आप यहाँ से उनका प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग कर लेने के बाद में आप इसे चाहें तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम A पर क्लिक करके अपने नंबर को बढ़ा दे रहे हैं, तो इस प्रकार का हो जाता है। तो आपको थोड़े इसकी कॉलम को बढ़ा लेना है यहाँ से क्लिक करके, तो आपको पूरा नंबर शो होने लगेगा। तो आप अगर 1, 2, 3 जिस प्रकार से लिखा है, अगर आप ABC इतनी ही साइज में, सेम साइज में चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस पर सेल पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर लेने के बाद आपको सिंपली चले जाना है फॉर्मेट प्रिंटर पर। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर लिए, उसके बाद आप चले गए फॉर्मेट पॉइंटर पर। फॉर्मेट पॉइंटर पर जाने के बाद अगर आपको ABC को सेम साइज बनाना है, तो उसी पर क्लिक कर देंगे, तो दोनों सेम साइज का हो जाएगा, और सेम ही लैंग्वेज या मॉडल या फिर उसकी भाषा में। तो अगर आप फिर से आप चाहते हैं कि पूरा सेल इसी तरह से हो जाए हमारी, या नीचे के और भी सेल आप बनाना चाहते हैं, तो आप जहाँ से बनाना चाहते हैं वहाँ से कंट्रोल के साथ माउस से बढ़ा के आप उस तरह के आप पूरा सेल एक सेम साइज का बना सकते हैं, और आप एक्सेल पे इसी तरह से नई डिजाइनिंग एक साथ या सेम साइज की प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मेटिंग सेल के बारे में अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसे लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिए, क्योंकि हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो हमें इसी के साथ अनुमति दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।